गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम्पायर लव अनुराग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बाबू भी अच्छी है, मेरे हस्बैंड भी अच्छा, बट मेरे मम्मी का तबीयत सही नहीं है। सुबह सुबह ये आज का हमारा बैड न्यूज़ है। अच्छा, ये भी बोल दी दादी का तबीयत खराब है, तो आज मम्मी का तबीयत खराब है। आज मतलब कल रात से तबीयत खराब है, मम्मी अभी सोई है, लेटी है, वो उसको दवा ला के अभी जब लाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। आज वो उनका बदन नहीं चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा वोमिट हो रहा है और आपका पेट दर्द हो रहा है ना बाबू, तो अभी हम उठ के जाएगी नहीं, तो हम जा के ले कर आए दवा। वैसे बोल कर अगर ठीक नहीं हुआ तो माँ जाने नहीं मांगी डॉक्टर के पास, और तो अभी जाएंगे, उसको सारा काम पायल करेगी। तो आज सब सर के ऊपर इसका, क्योंकि कभी ना कभी तो देखना पड़ता इसको, तो अभी से सीख जाना पड़ेगा। और मम्मी को हम दिखा दे रहे हैं, एक मिनट आप लोग। सुबह जैसे कि पायल बैठ गई है, तो आज पायल को ड्यूटी मिला है खाना बनाने का, और मम्मी का मुंह पूरा उतरा हुआ है क्योंकि तबीयत ख़राब है बहुत ही ज़्यादा। कल से तबीयत सही नहीं है, कल रात से तबीयत सही नहीं है, बात भी नहीं कर रही है मम्मी। बाबू प्याज नहीं काट पाती, ये प्याज एकदम नहीं काट पाती है, दिक्कत होता है। अभी हम जा रहे हैं मम्मी का दवा लाने, उसके बाद हम फिर मम्मी को लेके जाएंगे। हाँ, मम्मी को लेके ही जाएंगे। तो भाई आज हम लोग को खाने मिलेगा पायल का हाथ का खाना, और मम्मी भी खाएगी पायल का हाथ का खाना, तो हम लोग बाबा बनाने से ज़्यादा तो एक्टिंग कर रही है। तो भाई हम चलते हैं, माँ को लेके हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आप लोग सब बने रहिए, देखिए पायल क्या बनाते हैं, मैंने बनाती है। बाबू आप हमारे फैमिली को दिखाते रहिए क्या बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। हम तो मम्मी को लेके डॉक्टर के पास से आ रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रो रही हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा आँख से आँसू गिरा इसकी वजह से, क्योंकि मैंने प्याज काटा है और मैं प्याज काटती नहीं है, क्योंकि मम्मी को ही बोलती थी माँ प्याज काट दो, ये कर दो। मुझे प्याज काटना एकदम पसंद है, और माँ का तबीयत सही नहीं है, इसके लिए आज हम खाना बना रहे हैं। और मेरे ससुर जी, मेरे पापा, मतलब मेरे हस्बैंड के पापा मुझे बोले कि मटन बनाऊँ, इसलिए मैं मटन बनाने जा रही हूँ गाइस। तो आप भी लोग चलो, मैं क्या कैसे बनाती हूँ। मसाला पीस रहा है अभी भाऊ, तो दांत थोड़ी, ये मसाला पीसोगे? हाँ, ऑनियन, अदरक और लहसुन देख के प्याज काट रहे हैं। हाँ, प्याज काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, उसके बाद प्याज काट रहे हैं। आलू बॉईल होने के लिए डाले हैं, आलू बॉईल हो जाता है, ठीक है, बनाते रहो, देते रहिए। मटन कहाँ है? मटन बॉईल किया, ये मटन बॉईल हो गया, इसके बाद जाएगा इसके ग्रेवी पे, ग्रेवी पे जाएगा, तो ठीक है चलो। और प्याज लगेगा? हाँ, प्याज तो भी जाएगा, प्याज काट रहे हैं, ठीक है सर, हम काट दे रहे हैं प्याज, ठीक है। दो सवाई सभी मटन कस रहे, और यहाँ पे चावल चढ़ाया है। तो बाबू आज मतलब, आज मतलब हम लोग बहुत अच्छा खाने वाले हैं, तो बहुत आप मेरे हाथ में खाने वाले हो, ये हाँ। तो आप कहाँ जा रहे हैं? हम थोड़ा दुकान जा रहे हैं बेटा। मम्मी दवाई खाए, कैसा लग रहा है अभी? वारिस पियो, मैं वो बड़ा वाला एक लीटर वाला पाउच वाला मंगा लो, तो उसमें डाल डाल के पीना ज़्यादा अच्छा रहेगा वो वाला, तो ना इसको, हाँ तो इसको ढक दूँ पकने के लिए, ठीक है। सो गाइस, ऑलमोस्ट बन चुका है, सिर्फ पानी जल, थोड़ा सा पानी जल जाएगा बस,
पानी जल के काला हो जाएगा फिर हम लोग जल के काला नहीं होगा, इसका पानी हल्का सा जल जाएगा तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ग्रेवी ग्रेवी टाइप में हो जाएगा, तो उसको उतार लेंगे, अब बर्न कर देंगे। और चावल ऑलमोस्ट पक चुका है, चावल में घुस जाए, चावल पक चुका है। और ये बनाएंगे रोटी, रोटी पापा के लिए, रोटी चावल दोनों खाते हैं, हाँ इसीलिए। हमारा आराध्या का भी खाना बन चुका है, डालिया। तो गाइस अभी तो आराध्या उठ गई है, सोई थी, ये सो के उठ गया, खाना बन गया है। और अभी हम लोग जा, हम हो गया बाबू, खाना बन गया। लड़की पता थोड़ा थोड़ा पागल है, थोड़ा पागल है। अच्छा शन ना मलानी भी दी की इसे देख ली ले, तब हाय कर दो, हाय कर दो शन श्रेया, कर दो। तो आज गाइस हम लोग खाएंगे मटन, और ये बनाई है दांतो, मेरी दांतो बनाई है मटन, हम लोग खाएंगे आज। अभी हम जा रहे हैं, दांतो बोल रहा इसको, हम दांतो बोलते हैं क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा दांत निकला है ना, तो इसलिए हम बोल देते हैं दांतो। तो अभी हम लोग जाम जा रहे हैं, बार बार हम लोग ही निकल रहा है मुझे सुन रही है, तो इतना पाउडर लगाई है पूरा सादा हो गई। अभी जा रहे हैं नहाने, नहा के आके खाने बैठते हैं, आप लोग से मिलते हैं फिर खाने। सो गाइस फाइनली हम नहा लिए, अभी जा रहे हैं खाने बैठने, और बाबू यहाँ पे खाना लेके बैठ गए, और मेरा खाना निकालते यहाँ खाने बैठ गई है। वाह, अभी हम खाए नहीं कुछ नहीं, मम्मी आज हम लोगों के साथ नहीं खाएगी बैठ के। बाबू आप बनाए हो, खा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? साग खा रहे हो, ठीक है, खा के बताते हैं कैसा हुआ है, ठीक है। आराध्या भी चिल्ला रही है वाह 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 कर, वो भी खाइए अच्छा लगा, तो खा के बताते हैं कैसा लग रहा है। तो गाइस मटन खाए हैं, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा, और इसको हम थैंक यू बोलने के लिए आए हैं, मटन बहुत ही अच्छा बना है। माँ भी, माँ तो नहीं खाई क्योंकि माँ का पेट ख़राब है, माँ सूखा भात खा रही है, सूखा भात और दाल खा रही है। तो फैमिली को कब खिलाओगे मटन बना के? सबको इनवाइट करेंगे आना, सबको मतलब इसके तरफ से मटन पार्टी रहेगा। अभी इतना खा लिए खुद उठ नहीं पा रही है, हड्डी तक भी नहीं छोड़ी है जानवर। तो गाइस मटन तो बहुत ही अच्छा था, कभी आप लोगों को भी खिलाएंगे, ट्राई करना। और नहीं बाबू बहुत ही अच्छा था, क्या ख़राब बोलेंगे भाई, खा के निंदा ही नहीं करना चाहिए और कुछ भी बदनामी से नहीं करना चाहिए। आराध्या तो अभी खेल रही है, आराध्या तो सारा दिन खेलती है। तो अभी हम जा रहे हैं भैया के पास, तो भैया जैसे ये काम पे हैं, तो भैया बोले हैं थोड़ा सा मेरे लिए मटन भेज देना, पायल कैसे बनाइए हम खा के देखेंगे। तो अभी जा रहे हैं भैया के पास, भैया को दे के आए मटन, फिर हो सके तो आज हम लोग जाएंगे रील्स बनाने, दोनों साथ में बनाएंगे रील्स। तो उसके बाद गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं हमारा ब्लॉग कैसा लगा। बाय।